हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिति अछंती? आशा करूछि तुम मैंने समस्ते भलरे थिबो। डेली ओडिया स्टडी चैनल तरफ रु आपण मानकु स्वागत करूछि मु रंजन। सो फ्रेंड्स, जदि प्रथम करी एही चैनल टिकु देखुछंती निश्चित भाबरे चैनल टिकु सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखर थिया बेल आइकन टिकु दबाई दियंतु, जेतेबेले आमे परवर्ती वीडियो अपलोड करिवु सर्वप्रथमे आपण लेटेस्ट वीडियो टिकु पाई परिबे। ठीक अछि, आज आमे चतुर्थ श्रेणी रो भारतर बुलबुल विषय टी पढ़ा। पे आज आम कौन पढ़ा? भारतर बुलबुल है पाने। हाँ, यही विषय टी लिखी लेखक भगवान महांती है पाने। हाँ, किए लिखी? लेखक नाम भगवान महांती है पाने। हाँ, प्रथम यही छविटी को देख पे जापार। हाँ ना नहीं, किए ये होउछंती आम सरोजिनी नायडू हैला पिला माने। हाँ, तांको विषय रे आमे आज पढ़ीबा एवं स्वाधीनता आंदोलन रो भूमिका रही सही विषय रे मध्य आमे जानिबा हैला पिला माने। हाँ ठीक अच्छे, वर्तमान आमे विषय टी को आलोचना करिबा एवं सरोजिनी नायडू को विषय रे मध्य अधिक जानिबा हैला पिला माने। हाँ, इस तरह रे तुमको प्रश्न आसुथिबो। हाँ ना नहीं, भारतर बुलबुल क्या कहती? कह सरोजिनी नायडू को भारतर बुलबुल कही था हेला पिला माने। हाँ ठीक अच्छे, देख झीटे किए थिला झीटे थिला कविता लेखारे तार भारी मन पिला माने। देख सरोजिनी नायडू झील जड़े हाँ ना नहीं, से कौन करती? कविता लेखारे तांकर भारी मन थिला कि दिन कि राति से एकुटिया बसे हैला पिला माने। दिन नाही राति नाही से एकुटिया बसंती हैला पिला माने। मने मने कौन गुणु गुणु होई खातारे लेखी पकाए पिला माने। देख सरोजिनी नायडू जते बड़े छोट झीटे थिले से कौन करती? दिन नाही राति नाही से एकुटिया मध्य बसंती एवं मनरे तांको गुणु गुणु होई निज खातारे से माने लेखी पकांती हैला। बेड़ पाइले बाहरे बुली सुंदर सुंदर फूल चढ़ई गछलता सबको अनई कण भावे हैला पिला माने। से सरोजिनी नायडू छोट पिलाटीए बा झीटे हाँ ना से कौन करती? बाहरे बुलंती एवं सुंदर सुंदर फूल चढ़ई गछलता सबको अनई कण गोटे भावती हैला पिला माने। सते जेपरी एमाने तारो अति आपणार से माने कौन भावंती हाँ ना नहीं कहाक भावंती? से फूल चढ़ई गछलता मानू कौन भावंती? जे ये होचंती मो निजर बोली से भाभी थांती हैला पिला माने। एक कथा माँ को छड़ा अन्य केही जानी पारंती नाही। देख पिला माने तांको माँ किंतु जानी थांती किंतु अन्य माने जानी पारि न थांती हैला पिला माने। हाँ, तापर देख माँ झीओ को उत्साह दियंती। देख पिला माने सरोजिनी नायडू जेते बड़े छोट झीटे थिले तांको माँ तांकु केते सहाय्य करुथिले एवं उत्साह करुथिले हैला। बापा किंतु चाहंती अलटा बापां को इच्छा झीओ अंक कसु हिसाब किताब भलो जानु थरे बापा झीओ को केते खंड अंक कसिबाकु देले हैला पिला माने। तांको बापा देख से जो काम करुथिले किए आम सरोजिनी नायडू केते बड़े से जते बड़े छोट झीटे थिले हैला। तांको बापा तांको काम को से ही काम को से माने चाहू नथिले हैला। से कौन चाहू थिले? जे आम झीओ अंक कसु हिसाब करु हाँ ना नहीं एवं भलो किछि जानु बोली से कहुथिले हैला। तापर कोन हिची दिने तांको बापा तांको झीओ को केते खंड अंक कसिबा को देले हैला पिला माने। तापर देख मात्र झीओर अंक कसिबारे मन नाही। देख पिला माने तांको झीओ बाम सरोजिनी नायडू अंक कसिबारे तांको मन नथिला हैला पिला माने। अंक कसिबा पई बाध्य करी बापा ताकु गोटिए कोठरी भितरे रखी बाहरु कबाट किड़ी देले। देख पिला माने जेते बेले से अंक कसिबारे मन देले नाही तापर कौन कले तांको बापा बाध्य होई गोटे कोठरी थिला से कोठरी भितरे रखी तांकु बाहर आड़ू कबाटरा देई देले हैला पिला माने। तापर देख
केते समय परे आसी कबाट खोलिले। मात्र ए कण झीटी अंकन कषि लेखि पकाउछि गोटे सुंदर कविता। देख पाने जत से अंक कषि पार ना किंतु भल कविता से लेखि पकाई पाने। हाँ कविता लेखा जाइछि इंग्राजी भाषा रे। देख पाने कविता क्यों भाषा लेखा जाइछि इंग्राजी भाषा रे लेखा जाइछि। हाँ ना नहीं पाने। हाँ तापर तांको बापा तो खुशी हेथिबे। हाँ ना नहीं। हाँ तापर देख बापा देखि आश्चर्य होइगले मने मने कही पकाइले बा किड़े सुंदर कविता। से भाविले तांको झियो भविष्यत रे निश्चय जणे बड़ कवि हेबो कवि भावरे ना करिवो। देख पाने जिते बड़े तांको बापा इंग्रजी भाषा रे कविता टीए देखिदेले से आश्चर्य होइगले। हला तांको झीवंकर केते प्रशंसा मध्य कले। से निजकु कौन भाविले जे मो झियो भविष्यत रे निश्चय जणे बड़ कवि हेबो एवं कवि भावरे ना करिवो। हला पिला माने किंतु तांको मा पूर्वर हुई जानी पारिथिले सेति पाई सरोजिनी नायडू को उत्साहित करूथिले। हला पिला माने हाँ देख तुम्हें माने मध्य एही भावरे कविता लेखि कवि हेइ पारिवो। हन नै बड़ मनिषले भल पाठ पढ़िले तुम्हें डॉक्टर हो पार इंजीनियरिंग पार गोटे आईएएस ऑफिसर हो पार कलेक्टर हो पार। हाँ ना ना हाँ निश्चित भाव पार कि तुम्हें पाठ पढ़ा मन दे पाठ पढ़ एवं भल भाव कवि लेख भल भाव गीत भी गाईपर भल भाव नाची भी पार निश्चित भाव तुम्हें दिने ना दिने ना रखला पा मैने। हाँ ठीक अच्छे तापर देख पाठ पढ़ा सहित झीटटीर मन प्राण लगी रहिला कविता लेखारी। तापर देख सरोजिनी नायडू तापर कौन कले मन प्राण लगे से कविता लेखारे लगे पढ़िले। हला बड़ हला परे सतकु सत पूरा पृथ्वी रे ना कला एबे तांको कविता स्कूल कॉलेज रे पढ़ा होची। देख पिला माने सही छोट झीटटी हला दिने ना दिने कौन हले सतकु सत सारा पृथ्वी रे से ना कले। देख पिला माने आमे निज गाँव रे मध्ये ना करि पारु नाहंती करि पारु नाहंती कि से किंतु सारा पृथ्वी रे से ना कले। हला पिला माने एहा परे तांको कविता स्कूल कॉलेज रे पढ़ा हेउछि। हला पिला माने आमे मध्ये वर्तमान पढ़ु छंती ना नै। हाँ पढ़ु छंती। हला तापर देख तांको लेखा पढ़ी लोके आनंद पाउ छंती एही नारी कविंकर इंग्रजी भाषा रे बेस्ट दक्षता थिला। इंग्रज लोक माने मध्ये तांको कविता को प्रशंसा करूथिले। हला पिला माने देखो से केउ भाषा रे कविता लेखुथिले इंग्रजी भाषा रे कविता लेखुथिले। हला पिला माने हाँ से इंग्रजी भाषा रे मध्ये तांकर दक्षता थिला एवं इंग्रज लोक माने मध्ये तांकर कविता को प्रशंसा मध्ये करूथिले। हला पिला माने तांको कविता रे मुग्ध होई तांकु कहुथिले प्राच्य जगतर कोकिड़। हला पिला माने ताको मानकु कोन कहा जाउथला प्राच्य जगतर कोकिड़ बोली कहा जाउथला। हला पिला माने आउ केही केही कहिले भारतर बुलबुल। हला पिला माने तांको कविता रे एते मुग्ध होई गले जेमते आमे गीत सुनिले मुग्ध होंती कि नाचिले नाच देखिले केते मुग्ध होंती। हा ना नै हा सही भड़ी भावरे तांको कविता टिकु एते मुग्ध होइगले लोक माने जे ताको मानकु कोन को जाउतला प्राच्य जगतर ककिड़ मध्ये कहुथले एवं अन्य केही केही लोक माने मध्ये कोन कहुथले जे भारतर बुलबुल। हला पिला माने हाँ एही महिला जनक होउछंती भारतर लोकप्रिय नेत्री बा स्वाधीनता संग्रामी सरोजिनी नायडू। हला पिला माने हाँ देख पाने आम सरोजिनी नायडू विषय आम कौन जाणिले छोट बेलर कथा आम जापारे। हला पाने से केमी छोट बेलर आम जापारे ना ना हाँ से भाव तुम्हें पाठ पढ़ एवं दिने ना दिने कौन कर ना रख। हला पाने हाँ ठीक अच्छे पाने वर्तमान आम सरोजिनी नायडू स्वाधीनता संग्रामी भूमिका विषय आमे अधिक जानिबा। हला पिला माने हाँ ठीक अच्छे देख सरोजिनी नायडू
गोटे मध्यबित बंगाली परिवार रे 79 मसिया फेब्रुआरी 13 तारीख रे जन्मग्रहण करथिले। हेला पिला माने सरोजिनी नायडू केउ परिवार रे जन्मग्रहण करथिले? बंगाली परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। हेला पिला माने ताले केउ दिन रे 1879 मसिया फेब्रुआरी 13 तारीख रे से जन्मग्रहण करथिले? हेला पिला माने तांकर पिता अघरनाथ चट्टोपाध्याय। हेला पिला माने सरोजिनी नायडूंकर पितांक नाम कौन? अघरनाथ चट्टोपाध्याय। हेला पिला माने ओ माता बरदा सुंदरी। हेला पिला माने हां तांको मातांकर नाम कौन? बरदा सुंदरी। हेला पिला माने हां संतान मानक मध्य रे से थिले सबुठारु बड़। हेला पिला माने सरोजिनी हैदराबाद रे जणे डाक्टर गोविंद राजुलु नायडू को विवाह करथिले। देख पिला माने से कहां को विवाह करथिले? हैदराबाद रो जणे डाक्टर तांको नाम कोण? गोविंद राजुलु नायडू। हेला पिला माने तांको से विवाह करथिले बा बा हाइथिले हना नै विवाह परे से निजो ना लेखिले सरोजिनी नायडू। हेला पिला माने हां तापर देख तुलसी दुई पत्र रु बासिला परी तांकर प्रतिभा बाल्य काल रु फुटी उठुथला। हां नै पिला माने छोट बेल रु से जानी पारुथले ना नै? हां मात्र 12 वर्ष वयस रे मैट्रिक परीक्षा देई समस्त परीक्षार्थी को मध्य रे से प्रथम स्थान अधिकार करथिले। हेला पिला माने देखो ताको मानकु जते बडे 12 वर्ष होईथिला से मैट्रिक परीक्षा देथिले एवं सेई मैट्रिक परीक्षा रे से कोन करथिले? समस्त परीक्षार्थी को मध्य रे से प्रथम स्थान अधिकार करथिले। हेला पिला माने प्रथम हला एहा परे जाई से इंग्लैंड रो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रे ना लेखाइले। हेला पिला माने तापर केउठरे ना लेखाइले? इंग्लैंड रो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रे। हेला पिला माने हां देखो पाठ पढिबा संगे संगे से सुंदर सुंदर कविता रचना करिबा ओ वक्तृता देबारे मध्ये से निजर दक्षतार परिचय देले। हेला पिला माने देखो से सुंदर कविता मध्ये लेखुथिले हना नै एवं रचना मध्ये लेखुथिले ता सहित से प्रकृता मध्ये भल देउथिले। हेला पिला माने हां सेते बेलकु भारत इंग्रज शासन अधीन रे थाई। हेला पिला माने सेही समय रे देखो आम भारत का शासन अधीन रे थिला? इंग्रज शासन अधीन रे थिला। हेला पिला माने इंग्रज माने आम भारत को शासन करथिले एवं अत्याचार मध्ये करूथिले। हेला वर्तमान देखो आमे तांको ठारु कोन पाइले? स्वाधीनता पाई छंती। हेला पिला माने हां सेही समय रे देखो से प्रचुर भाव रे परिश्रम करथिबे। हां ना नै काहे कि परिश्रम करथिबे? जे आम भारत स्वाधीनता पाउ हन नै सेति पई से स्वाधीनता आंदोलन र तांको भूमिका रही अछि। हेला पिला माने हां तापरे देख निज जन्मभूमि र पराधीनता तांको हृदय रे गभीर दुख आनि देला। देख पिला माने जेते बडे भारत इंग्रज शासन अधीन रे थिला सेही समय रे देखो से किते चिंता करछंती। कोन चिंता करथिले? जे आम जन्मभूमि रो पराधीनता तांको हृदय को से कोन करथिले? गभीर दुख देइथिला। हला एणु से देश प्रेम मूलक कविता लेखिबा को लागिले। तापरे केउ कविता लेखिबारे लागि पड़िले? देश प्रेम मूलक कविता लेखिबा को लागि पड़िले। हला पिला माने हां तापरे देखो तांको देश प्रेम मूलक कविता ओ वक्तृता से कालर स्वाधीनता संग्रामी मानंकु अनुप्राणित करथिला। एपरि कि जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस को भली से कालर संग्रामी युवक माने मध्य सेई कविता द्वारा अनुप्राणित होई थिले। हेला पिला माने हां 1903 मसीहा रे बॉम्बे हन नै एबे वर्तमान में कोन कहउछंती बॉम्बे को? मुंबई कहउछंती। सेठारे स्वाधीनता संग्रामी मानंकर एक विराट सभा हेउथाए। सेही सभा रे से निजे इंग्रजी रे लेखिथिबा एक हृदबोधनमूलक कविता सुंदर स्वर रे गान करथिले। तांको कंठ स्वर ककिलर स्वर भली खूब मधुर थिला। सेही कविताटी सेठारे उपस्थित थिबा समस्तंक हृदय को गभीर भावरे स्पर्श करथिला। से जेभली सुंदर सुंदर कविता लेखुथिले
ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭାରତର ବୁଲବୁଲ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତର ବୁଲବୁଲ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯେତେବେଳେ 1903 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସଭାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଂରାଜୀରେ କବିତା ଲେଖିଥିବା ଏବଂ ହୃଦବୋଧନମୂଳକ କବିତା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିଥିଲେ ବା ଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର କକିଳ, ହେଲା ପିଲାମାନେ, କକିଳର ସ୍ୱର ଭଳି ଖୁବ୍ ମଧୁର ଥିଲା ବା କୋଇଲି ପରି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେହି କବିତାଟି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଗାଇପାରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଭାରତର ବୁଲବୁଲ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ହଁ, ତାପରେ ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ଭେଟିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଯିଏକି ଆମ ଭାରତର ପିତା ବା ଆମ ଜାତୀୟ ପିତା, କିଏ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏଠାରେ ଦେଖ, 1914 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଯଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଖିନ ତାହେଲେ ଏହି ଛବିଟିକୁ ଦେଖ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ସରଳତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଥିଲା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଓ ସରଳତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ଭାବିଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କବିତ୍ୱ ଓ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେବାର ଦକ୍ଷତା ସହ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିପୁଣତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ, କବି ତ ହେଇଗଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ, କବିତ୍ୱ ପରେ ଭଲ ଭାଷଣ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଭାଷଣ ଦେବା ପରେ ସହିତ ସେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିପୁଣତା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ହଁ, ତାପରେ ଦେଖ, 1930 ମସିହା କଥା, ସେତେବେଳକୁ ଭାରତରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଥାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ମସିହାରେ, 1930 ମସିହାରେ ଭାରତର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ବହୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଛବିଟିରେ ଦେଖ, ହେଲା, ଏଇ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ, ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ହଁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ରୂପେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସମୟରେ 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1949 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, 1949 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, 37 ବର୍ଷର ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ହଁ, ଏହାପରେ ଦେଖ, ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିରଦିନ ଅମଳିନ ହୋଇ ରହିଥିବ। ସେ କେବଳ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କକିଳ ବା ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ହୀରାଟିଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହଁ ନାଇଁ, ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହୀରାଟିଏ ଥିଲେ। ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ସେ ଦେଖ, ସେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖ ଅଙ୍କ କଷି ପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ତୁମେ ତ ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ହଁ, ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହୀରାଟିଏ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ନହୋଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିପାରିଥିବ ଏବଂ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ
जापारिथ्व है पे हाँ जदि भिडटी आपण मानक पसंद आसते निश्चित भाव चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं भिडटी को लाइक करूँ सेयार करूँ ठीक अच्छे ताले आज की पुणी देखा परवर्ती अध्याय टेक केयर बाय बाय रोची।